मरियम बतूर सन। ये गल जान दिया होया कि मेरे तो बाद शेरे खुदा की आमद का टाइम आना है। बीबी पाक फातिमा बिनते सबखाने का मेरी तरफ जाना है। ये सोच दिया होया बीबी पाक मरियम सवाल किया है या मुझ में खासी दे बागे तुम नहीं मेरा नका से विश्वास से हम नहीं रुतबा मेरा जुलेखा हब्बा से कम नहीं क्यों मेरे नसीब में बेतुल हरम नहीं। माशाल्लाह आवाज आई मरियम ये सब ठीक है कि तेरी अजमत की हक है। अरे है दरी Thank you.
हेलो इधे एक मिनट भाई हाथ ना करी तेरी बनवाई आके
दस छोड़ा ओ मैं हां अमीर पीरां दा पीर तैकू दस छोड़ा साखू ना तू अजमाया कर साडे बाला नू खिलाया कर तेरा हर इक ठिकाना बस अली दा तेरा हर इक ठिकाना बस अली जान मैं दरै दजला दे विच मछली ते संसार मछलियां दी या वाली ए वली या मगर ना जाय या मुखलाए दी आ दी अदर की फीस भी लीला मेरी मदद करो पाक इमाम मौली ना जंग वाले लड़दे ने दा कसया ने दा हवा वे छटया मौली बोल गया ना या अली इतना कीमती मेरा हीरे जवाहरात नु नसर ने या आप रख लवा या किसे गिफ्ट दे देवो आ एवें तुसी हवा वे छटया शेर मिलावा खो के ने हैदर दा लोर पानी दा शोर ये गजला कैसा है गजला दे विच खुश थी ते सब मछलियां नू पई आखे एडी दूरो निशाना बस अली जान ले एडी दूरो निशाना बस अली जान ले جناب جناب شہر ال بیت جناب سید کوثر سلام نقوی مختار فرمائیں بسم اللہ تمام مومنین سے التماس ہے جو امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ جشن پاک شروع ہے تو امام بارگاہ تشریف دے آئیں تو آپ کے سامنے شاعر آل محمد شاعر سرکار وفا سید الزاکرین جناب زاکر سید کوثر اکبر نقوی فیصل آباد اور ان کے فرن بار علامہ عاشق حسین حیدری صاحب ایم اے اسلامیات وہ کتاب دعائے ضرور امام اعظم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الوجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذا السال وفي كل سال من صوت ليل النهار وليم وحافظ وقائد مناصر وطرين وعائما حتى تسكن حبك ارزقك طوما وتمتع فيك ترقي اللهم صل على شاد لے کر آیا ملک اپنے بار گیا آلی والا قبول فرمایا میرا میری پڑھائی میرے بعد
सीने जाकरीन की पढ़ाई मालिक अपनी बारगाह आली कबूल फरमाए। हुक्म बाबा जी बड़ा सख्त सा है, अब पता नहीं मैं हुक्म पूरा कर सकूंगा कि आप मेरा साथ दे सकते हैं। बाबा जी आप दिल से दुआ देंगे, हुक्म है जी जनाब अली अलैहिस्सलाम की शादी। अब पता नहीं किसने मेरे साथ शादी में जाना है। बिस्मिल्लाह मैंने छोड़ना किसी को पीछे नहीं है। यकीन कर लो बाबा नूरशाह जी, बाबे आबद शाह जी, इन्होंने दुआवां तुहाडे मोमना की दुआवां नाल जाकर बने हैं। मेरे तो बाद भाई आशिक हुसैन मालिक इन्हों की जिंदगी करे, तमाम मोमनीन दे मालिक जिंदगी करे। उम्मीद है कि तुसी मेरा साथ दसो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्द व सना है उस खुदा की जो आलमीन का रब है, जो बशर कहे उसके अब्द को वो इंसान ही कब है। वो वादहु ला शरीक माबूद बरहक, वही तो जुल जलाले वल इकराम है, जो भोंके उसके वजूद को वही तो नमक हराम है। न जमी थी न आसमां था, न लफ्ज थे न बयां था, न जिन न कोई इंसान था, न ये जहां था न वो जहां था। लाइक सजदा है वो जात जली, जब कुछ न था वो जली था, मोहम्मद अहमद महमूद नबी, ये 14 अली थे या वो अली था। दुनिया में पहला बंदा हूं जिसका खुतबा भी शायरी में है, ये आपकी दुआओं का सदका है। तो आज की रात मालिक सबको नसीब करे, जो दिली ख्वाहिशात लेकर आए हैं उनकी मालिक ख्वाहिशात पूरी करें। मैं ना अली की शादी पढ़ सकता हूं, ना आप सुन सकते हैं। जो मेरी औकात है बाबा जी मैंने वो पढ़ना है, जो आपकी समात है आपने वो सुनना है। तो जुमला भेजने लगा हूं आपके नफीस मिजाज समातों तक। बाबा जी अलहमद के नजूल से पहले जो अलहमद कहे उस अबू तालिब के बेटे को अली कहते हैं। मत भूल वो सीना है अबू तालिब पे चलना मोहम्मद का, मत भूल वो सीना है अबू तालिब पे चलना मोहम्मद का, जवानी के उसी पैकर में वो ढलना मोहम्मद का। बुग़्ज़े हैदर को छोड़ हक की बात कर, कहां काफिर की गोद कहां पलना मोहम्मद का। नारे हैदरी। ये ताईद होती बाबा जी आप जाकिरगर हैं, सैयद हैं, नस्ल रसूल हैं, ये ताईद होती है कि बाबा जी मजमा थाडा मेरे नाल दुर सी अलहमद के नजूल से पहले। बाबा जी अलहमद के नजूल से पहले जो अलहमद कहे उसके बेटे को अली कहते हैं, उसके बेटे को अली कहते हैं। चलो एक और जुमला सुनो, अलहमद से पहले। चलो पता नहीं कौन पचाएगा किंदे सिर तुलक सी, केड़ा मेरे नाल टुल सी। बाबा जी जिक्र मैं उसका करने लगा हूँ, उस हस्ती का जिक्र करने लगा हूँ। पूरी जिंदगी आपने मौलवियों से मिराज सुनी, नबी मिराज तक गया, मिराज तक गया, मिराज तक गया, ए निन्ने दस्या उत्थे होया की सी। ओए होए होए उसे कहते हैं। नबी मिराज पे गया, एक पे गया उसने जहरा दी, एक पे गया।
मांग ली किसके लिए, किसके लिए? वो अल्लाह ने कहा था मोहम्मद मेरी गोद में, आए हाय 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 मेरी गोद में सहरा डाल दे, किसके लिए? उसके लिए जिससे, बल्कि जिसके चेहरे से मैं खुद नजर आता हूं। आज की रात है, ओए होए होए, मिसले शबे बरात जे आज की रात है, बाजी मिसले शबे बरात है आज की रात। ते अक्सर लोगां दे कोलों तुसा सुनया भी शबे बरात नूं बरातां मिलदियां ने, लेकिन मैं दसना भी बरात नूं मंगणा की चाहिदा। मिसले शबे बरात है, मिसले शबे बरात जे आज की रात है, खुदा से मांगो तो सिर्फ अली मांगो, खुदा से मांगो तो सिर्फ अली मांगो, अली से अली मांगना ही तो बरात है, अली से अली मांगना ही तो बरात है। खुदा के लिए मेरा जुमला जमीन पे ना जाए, आलमे तखय्युल में मैं किसी हसीन वादी की पुर नूर फिजाओं का मजा ले रहा था, पुर नूर फिजाओं का मजा ले रहा था में एक आवाज गूंजी, आज किसे भी बिस्मिल्ला किसे भी चौधरी पिंड दे चौधरी नाजम एमपीए एमएलए दी शादी होवे, उंदे पोतर दी शादी होवे, ओ ऐलान करंदा है, की करंदा है? आ भी हजरात एक ऐलान सुन लो भी आज फलाने चौधरी दे पोतर दी शादी है, ते सारे कमियां नु आखा ने के आवे ते लंगर लपसी, बाजी अपने नाम ना लंगर लपसी। मैं पुर नूर फिजाओं में घूम रहा था, पुर नूर फिजाओं में घूम रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, और वो आवाज क्या कह रही थी कि जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता अर्श मलिक ओ हुरैन सुने। जुमला नहीं खाना तो ना मैं खान देना है, ना खान देना है, हकीकत है मेरी जिंदगी की मेहनत है। खुदा की कसम चाक पहना मिंबर ते खड़ा, सारी रात तक सारी रात अली की छाती पड़ा, ये बड़ा वड्डा दावा है, सारी रात अली की छाती पड़ा। मैं फिजा में था और नूर फिजाएं मेरे जहन को मुअत्तर कर रही थी, तो मेरे तक एक आवाज बाबा जी पहुंची, क्या? जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता, जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता अर्शी मलको हुरैन सारी, अर्शी मलको हुरैन सारी, ऐ जिन्नो इंच चरेंद परेंद सुने ये तारैन सारी, सुने ये तारैन सारी। अच्छा उसका मकसद क्या था? मैंने बेटा जी बड़े हैरान से सुना कि ये सबको मुखातिब करके कहना क्या चाहता है, क्योंकि आवाज बड़ी सुरीली थी, मैं भी गुम हो गया, आवाज बड़ी सुरीली थी। शायद अख्तर जी, शायद ऐलान करने वाला जिब्राइल था। जरा जरा पत्ता पत्ता, जरा जरा पत्ता पत्ता अर्शी मलको हुरैन सारी, ऐ जिन्नो इंस चरिंद परिंद सुने ये तारैन सारी, सुने ये तारैन सारी। मैं लोग किस वास्ते गया? मिन्नत वाली गल ने अली दी गली दे जेड़े कुत्ते होंदे ने ओह कलंदर बनदे ने, हाय हाय हाय, अली दी गली दे कुत्ते कलंदर बनदे ने, ते म
मैं कलंदर दी गली दा कुत्ता ओए होए बात बड़ी कीमती देने लगा हूं, इसलिए मैंने आपसे अली का वास्ता डाल के कह रहा हूं मुझे कीमत चाहिए। बाबा जी आपको पता, आप जानते हैं मेरे बाद खतीब बैठे हैं, जुमला जाया हो जाए बंदा रात को कसम से सो नहीं सकता। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता अर्शी मलको हुरैन सारी ये लाइन सारी आए कि आदम से ईसा तक ये लाइन सारी। अच्छा क्या होगा, मैं सोचने लगा ये आदम से ईसा तक नबियों की लाइन आने लगी, कोई बड़ा काम होने लगा। मैं भी गौर करने लगा, बाबा जी दुरूद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आशिक साहब मैं हैरानगी में मैंने कहा बाबा जी कोई एडा वड्डा काम होने लगा, भी आदम ही उथे ईसा भी उथे सारे नबी उथे कुतुब भी उथे तवंगर भी उथे कलंदर भी उथे कुतुब भी उथे तवंगर भी उथे कलंदर भी उथे। फिर एकदम मेरे कानों में आवाज पड़ी और वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था लामहदूद की शाही के सुल्तान अली की शादी है, लामहदूद की शाही के लामहदूद की। सत्रों तक चुप रहो, आखिरी सत्रों में मुझे कीमत चाहिए। लामहदूद की शाही के सुल्तान अली की शादी है, लामहदूद की शाही के सुल्तान अली की शादी है, पाक नबी की धड़कन दिल और जान अली की शादी है, पाक नबी की धड़कन दिल और जान अली की शादी है, जो करता था करेगा सब पेदान अली की शादी है, हर नबी वली पैगंबर का है मान अली की शादी है। खुशियां मनाओ आज कुल्ले ईमान अली की शादी। मैं सत्रे आखिरी छोड़ गया हूं, बच्चे की फरमाइश पूरी करूं और मिंबर छोड़ो, कुल्ले ईमान अली की शादी है। अच्छा बाबा जी शादी तो बाद मतलब के शेरा बने बने अगर कोई तब्दील हो गया गलत शेरा बने शेरा बेटा मुड़ तो तंग हो गया नहीं ठीक है हैदरी बाबा जी शेरा। बेटे ने कहा कि पूरा पढ़ना है, अब शेरे पे खत्म हो जाएगी बात। कुल्ले ईमान अली की शादी है, कुल्ले ईमान अली की शादी है, कुल्ले ईमान अली की शादी है। अब शादी का ऐलान हुआ, मैं भी दौड़ा दौड़ा आलम तखैल में मदीने की पाक गलियों में पहुंच गया, मदीने की पाक गलियों में पहुंचा तो क्या मैंने देखा, क्या देखा, आला से आला अली का चेहरा। बाबा जी मेरी तरफ देखना है, आला से आला, आला से आला। मेरे बाद बड़े बड़े खतीब आने हैं, इस लफ्ज की तशरीह करवाना कि मैंने क्या कहा है, आला से आला अली का चेहरा। और जो शायरी से तल्लक रखते हैं उनसे मेरा चैलेंज है, मिंबर पे खड़ा हूं कोई बंदा अलामा साहब मेरी सतरे पहल से बाहर दिखाए मैं शागिर्द होऊंगा। चैलेंज कर रहा हूं, आला से आला अली का सेहरा, आला से आला अली का सेहरा, इस्तो वाला अली का सेहरा। वजहुल्ला ने सजाया कौसर, वजहुल्ला ने सजाया कौसर, वजहुल्ला ने सजाया कौसर, नूर में ठाला अली का सेहरा। मेरे जी दादा उस्ताद अलामा गज़नफ़री बास्तानी साहब वो पढ़ते पे ना तो पूरा पढ़ा नारा हो जाता, वो आते ने जेड़ा मैं पढ़िया उनकी कदर ही मिल के नारा मारे करो खुदा की कसम मिलकर से खिलता हैदरी।
सुना नूर में ठाला अली का सेरा, नूर में ठाला अली का सेरा, सज हूरों ने सजाया ये, सज हूरों ने सजाया ये सेरा, सज हूरों ने, बात नहीं समझे, सज हूरों यानी कि बाबा जी पहले हूरा खुद सजिया, हालांकि हान हूरा पहले हूरा खुद सजिया फिर उन्हें सेरा सजाया, सज हूरों ने सजाया ये सेरा, सज हूरों ने सजाया ये सेरा, खुद गिलमान ने उठाया ये सेरा, नूरो नूर समाया ये सेरा, नूरो नूर समाया ये सेरा, खुलदे परी से आया ये सेरा, खुलदे परी से आया ये सेरा, जिब्राइल बनाया ये सेरा, जिब्राइल बनाया ये सेरा, अगली सतर मेरी जिंदगी से कीमती है, जिब्राइल बनाया ये सेरा, हुक्मे जली से आया ये सेरा, हुक्मे जली से आया ये सेरा, हुक्मे जली से आया ये सेरा, दावे से कह रहा हूँ, दावे से चैलेंज करके कह रहा हूँ, सैयद कौसर अकबर नकवी चैलेंज कर रहा है मिंबर पे, अगली सतर से बड़ी सतर लाओ, मैं उस्ताद मानूंगा, उस्ताद मानूंगा, कसम से इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, हुक्मे जली से आया ये सेरा, हुक्मे अली अली को आया है, हुक्मे अली अली को आया है, मैंने बस तेरे लिए, मैंने बस तेरे लिए बनाया है, मैंने बस तेरे लिए बनाया है, आखिरी सतर, मैंने बस तेरे लिए बनाया है, सिरा हो गया जी, बाबा जी जब बारात चलती है, मैंने अभी शादी शुरू नहीं की, आपको पता है बरात चलती है, जुमला देने लगा हूं और जाने लगा हूं, बरात चलती चलने से पहले दूल्हे को, दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाता है, आजकल दिकारा चल रहा है, हाँ आजकल दिकारा चल रही है, मारिया मारिया सलफ लाया के तैयार लिया है, अच्छा 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 अच्छा, दूल्हे को घोड़े पे सवारी पे बिठाया जाता है, बाबा जी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं शर्तक अपने जुमलों का जामन हूँ, अली को जब घोड़े पे सवार करने लगे, दुल दुल बुराक पे सवार करने लगे, आखिरी जुमला है, मैं उनमें से नहीं उनसे बोल दिया, आखिरी जुमला तो जाली जाली बोर्ड भी लग गई रवा, मिल के हैदरी सवार कराया जाता है दूल्हे को, जुमला सुनिएगा बाबा जी, दूल्हे को आओ तुम्हें मैं बताऊं, उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि जब अली सवार होने लगा, जब अली सवार होने लगा तो जिब्राइल एक दस्ता मलाइका का लेके आया, एक दस्ता मलाइका का लेकर आया, और जिब्राइल ने रकाब में हाथ डाला, रकाब में हाथ डाला, बाबा जी कोई भी बंदा किसी को चढ़ावन लगे ना झुकदा है, झुकदा है, झुकदा ना बाबा, बिस्मिल्लाह जी आओ, झुकदा है, अब जिब्राहिल है नाज़िम मखलूकियत, हाँ खुदा की कसम, कैसे आओ कुरान पढ़ो, जिब्राहिल ने नहीं कहा था मैं अल्लाह की तरफ, अली अल्लाह की तरफ से ए मरियम तुझे बेटा देने आया हूँ, जिब्राइल कह रहा था अल्लाह की तरफ से, अब यह है नाज़िम मखलूकियत, ये और क्या कह रहा है, अली को चढ़ाने के लिए ये झुका, रकाम में हाथ डाला और कहता है आ अली तेरा नौकर हाथ, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह यार सैयद कौसर अकबर नकवी फैसलाबाद, तो अब आपके सामने नन्ना जाकिर अली अब्दुल्ला वो खिताब फरमाएंगे, और उनके फौरन बाद वकील हक अलामा आशिक हुसैन हैदरी साहब, और उनके बाद जनाब अलामा सजाद अली अकबर ऑफ सिंध, जिसे अली की वलायत का एतराफ नहीं,
माशाल्लाह जजाकल्लाह जियान अली अब्दुल्ला साहब, तो आप आपके सामने वकील हक प्रोफेसर अलामा आशिक हुसैन हैदरी साहब और उनके बाद सैयद अल जाकिरीन कारी अल कसैद जनाब सैयद अबुल हसन रिजवी और सैयद आलम सलवार करने वाले बाबा जी बुलंद सलवार पढ़ो मोहम्मद वक्त जाया किए बगैर सबसे पहले तो एक दुआ है मेरे जिम्मे मेरे छोटे भाई का सुबह एंजियोग्राफी है वो कार्डियोलॉजी में दिल के मरीज हैं मौला हुसैन आज की खुशी के सदके में मौला उनको शफाए कुली अता फरमाए सैयद बादशाह तशरीफ फरमान ने और मैंने उनके जद्द अमजद मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की शान के चंद जुमले कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने जिस जिस मकाम पे तशरीफ फरमाओ दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम मोमिनीन को उस अली की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अगर काबे में न आता तो काबा सजदे के काबल न होता। माशाल्लाह आपने इस्तकबाल किया बाबे होरां दी मौजूदगी च अख्तर भाई इन्होंने लंगर नूं तकसीम कर लो मैं जशन पढ़ना मौला दा बाबे होर नूं कटा लो ते मैं जरा खुतबा पढ़ लवां बाबे होरी इस वक्त साढ़े दरमियान बहुत बड़ी हस्ती बिस्मिल्लाह बाबा जी आवाज़े बुलंद सलावात याली याली बाबे होरां दे दस्ते मुबारक दे नाल कटिया गया जी। इस वक्त हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ फरमाए सबसे पहले तो हमारे सारे खानदान को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने हमें जहन्नम के दरवाजे से निकालकर जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मेरी मुराद सैयद नूर शाह मौजूदगी मैं कोई लंबी चौड़ी नहीं बाबे होरां नूं ज्यादा जहम तो तकलीफ नहीं देनी क्योंकि उन्हां दी जद्दे अमजद दा ही जिक्र है ते असीं सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद सलवात أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين متمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات اللهم نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين وإمام المتقين اللهم فاكتبنا مع الشاهدين بولاية أمير المؤمنين في يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا صلوات मवालिया ने हैदर करार इस जश्न की इब्तदा जिस अली का जश्न है और
और इस अली के दूसरे अली के फरमान से शुरू करना चाहता हूँ, जिसका लकब है सैयद साजिदीन। बाबा जी सैयद साजिदीन, खुदा जाने कितने अल्लाह को सजदा करने वाले हैं, आदम से लेकर खातम तक और क्यामत तक अल्लाह को लोग सजदे करते रहेंगे। और इन सजदों में वो सजदा भी है जो इमाम हुसैन ने करबला में अदा किया, और अल्लाह ने सूरह फजर के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्या तुहन नफ्सुल मुतमईना तुर्जी इला रब्बिक राजियतन मर्जिया हुसैन, हुसैन तूने ऐसा सजदा अदा किया है, आ अब इस हालत में मेरी तरफ लौटा कि तू मेरी मर्जी का मालिक बन गया है, मैं तेरी मर्जी का मालिक बन गया। अब जिनके सजदों में हुसैन का सजदा शामिल हो, जो उनका भी सरदार हो, उसे सैयद साजिदीन कहते हैं। दूसरा लकब सरकार का सैयद आबिदीन है, तमाम इबादतों का गुजारों का सरदार है। मेरे माला इरशाद फरमाते हैं, कमजोर मेदे वाला, जिसका कमजोर मेदा ना, और अली की मैं पाटना नहीं है, मैं मैसेज पहुंचाना है, और कुरान और हदीस की रोशनी में बाबा जी आज मैंने इस मिंबर से बताना है अल्लाह क्या है, अली क्या है। अगर हजम ना हो ना तो कुरान मिंबर पे ले आना, मस्जिद साथ ही है, मुतमिन करके इंशाल्लाह जाऊंगा। मेरे मेरा चौथे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ हमारा ऐसे हालात हैं, अल्लाह के साथ हमारे ऐसे हालात हैं बाबा जी कि कभी वो अल्लाह हम बन जाते हैं। कमजोर मेदे वाला बर्दाश्त नहीं करेगा, तेरे चौथे वाला का फरमान ना हो, इसी मिंबर पर जबान ना कटाऊं, मेरे नुतफे में फर्क है। फरमाया हमारा अल्लाह के साथ ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो अल्लाह हम बन जाते हैं और हम वो अल्लाह बन जाते हैं, लेकिन उसका कमाले कुदरत ये है कि उसका हम बन जाना और हमारा अल्लाह बन जाना, इसके बावजूद वो रहता है, हम रहते हैं। इससे आगे तो बाबा जी अखीर बाबा जी तय फरमाते रहना आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। हमारे अल्लाह के साथ अभी तक तो हम इस चक्कर से नहीं निकल रहे कि ये 14-12 को अल्लाह इस्लाम कहें या रज़ी अल्लाह कहें। ला इस मिंबर पर कुरान, ना इनको रज़ी अल्लाह की जरूरत है, ना इनको अल्लाह इस्लाम की जरूरत है, ये 14 के 14 जल्ला जलाला हुए, ये अल्लाह के जलाल है, ये 14 के 14। अब मौला का फरमान पेश किया है, हमारे अल्लाह के साथ हालात ऐसे हो जाते हैं, वो अल्लाह हम बन जाते हैं और हम वो अल्लाह बन जाते हैं, लेकिन उसका कमाले कुदरत ये है कि वो रहता है, हम रहते हैं। और अम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हमारे फरमान को परखना चाहते हो तो ये हमारा फरमान है तो कुरान से बाबा जी मैच करो, अगर कुरान हमारे फरमान की तायद करे समझो हमारा है, अगर तायद ना करो दीवार पे मार दो, किसी गैर ने खयानत की है। आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं तो जो मेरे मौला ने दावा किया कि वो हम बन जाते हैं, वो हम बन जाते हैं, ये कहां तक दुरुस्त है। मैं ज्यादा लंबा है, आपको जहन तो तकलीफ नहीं देना चाहता। अब इस्लाम के अंदर जो कुफर और शिरक की बाबा नूरशा पहली जंग है ना, जंगे बदर है, और उसमें रसूल खुदा ने अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी खाक लेकर कुफार और मुशरिकीन की तरफ फेंकी। कुरान में आयत आ गई, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मेरा हबीब ये मिट्टी तूने नहीं फेंकी बल्कि मैं अल्लाह ने फेंकी है।
लेकिन कमजोर मेदे वाला अल्लाह कैसे मानेगा मोहम्मद को? ये कुरान है, ये किसी तरीक से नहीं मैंने जुमला पढ़ा। अगर कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद को अपना कहा हो कि वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, कहा मैंने नहीं बल्कि अल्लाह ने कहा। कुरान में अल्लाह का लफ्ज आया है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, मेरा हबीब ये मट्टी तूने नहीं फेंकी बल्कि ये मट्टी अल्लाह ने फेंकी है। अल्लाह अकबर बावेरी दुआ दे दे रे बड़ा। अब इसी जंग के अंदर बाबा जी, अभी मैंने आगे जाना जब तक मुझे इशारा नहीं होगा और मैंने अभी कोई गल नहीं, माशाल्लाह जरूर पढ़ो मोहम्मद वाले साहब। बाबा नूर शाह जी दूसरा जुमला मैंने अली अल मुर्तजा की, बाज चेहरों पर बड़ी परेशानी है, खुदा करे आज की रात उसकी परेशानी दूर हो जाए, अगर अली हजम ना हो जाए यहाँ से चले जाना, मैंने तो पढ़ के छोड़ना है कुरान, क्योंकि कुरान की जो जेर का भी मुनकर है वो भी काफर है, जो कुरान की जबर जेर और पेश का मुनकर है वो भी काफर है। अरे मैंने आपके सामने कुरान किताब नहीं, इसी किताब के अल्लाह की कुरान मजीद के अंदर दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया इस जंग में 70 सरदार मुशरिकीन के मारे गए जिनमें से 35 तेरे अली ने मारे। कुरान में बाबा जी आयत आ गई फलम तक तो लू हो वला किन अल्लाह कातला हो वला किन अल्लाह कातला हो, अली तुमने इन्हें नहीं मारा बल्कि इन्हें अल्लाह ने मारा है। अल्लाह अब यह समझ नहीं आ रही आपको, हजम नहीं हो रही मेरी बात। बाबा जी फरमान का मौला कायनात का खुद अपना सरकार फरमाते हैं जिसने कुत्ते को रोटी डाली उसने 70 अंबिया का कत्ल कर दिया। महफल से एक आदमी खड़ा हो गया कहने लगा मौला मैं किसान हूँ और मैंने अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए कुत्ते पाल रखे हैं, मैं रोजाना उसे रोटी डालता हूँ, क्या मैं 70 अंबिया का कत्ल करता हूँ? अली ने जलाल में अर्शाद फरमाया मैं चार टांगों वाले कुत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं उस कुत्ते की बात कर रहा हूँ जो दो टांगों वाला है, जो खाता भी अली का है, पहनता भी अली का है, चलता भी अली की जमीन पे है, पहनता भी अली का है, मरने के बाद जाएगा भी अली की जमीन में और फिर फौंकता भी उसी अली को है। ये मैंने तो अपनी तरफ से फिल्म दिया जुमला आपको नहीं आपकी समातों की नजर किया बाबा जी बावेरी अगे माशाल्लाह सैयद बादशाह असि तो नौकर हैं शादी पढ़ते पैन क्योंकि उन्हें शादी सुनाई सेरा सुनाया मैं जनाब जनाबे फातिमा तो ज़हरा दा हक के मेहर सुना पे और फिर समझ जाएगा अली किसे कहते हैं। अभी मैंने अपने मौजू फेरा ना मैंने अल्लाह अभी आना है इसी मौजू जा, 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 जा। ये आजकल के माशाल्लाह आपको पता है सबसे बड़े जो आलमे दीन ताहिरुल कादरी हमारे सुन्नी भाई हैं या सुन्नी भाइयों का मजमा आज से ज्यादा सुन्नी तशरीफ फरमा है और जो मोहब्बत से समाज फरमा रहे हैं वो फरमाते मुझे उस दिन पता चला कि अली काबे में क्यों आए जिस दिन फातिमा का निकाह हुआ था, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था लौ लम युखलाको अलिया लम यकुन लिफातिमा तकुफू, अगर अल्लाह अली को तखलीक ना करता मेरी फातिमा का कोई हमसर ही ना होता।
जिसका हमसर नबियों में ना मिलता हो। नबी मुस्तफा के पसीने की पैदावार है। असहाबा का तो मुकाम ही क्या है, असहाबा तो रसूल के कदमों के भी नीचे हैं। अरे सैयदा का फरमाया, मेरी फातिमा का कोई हमसर ना होता, इसलिए अल्लाह ने अली को काबा में नाजल फरमाया, फरमा के फरमाया मेरा हबीब परेशान ना हो, अगर लड़की तेरे घर की होगी लड़का मेरे घर का होगा। अब जब हक़ मेहर तय होने लगा, सबसे पहले जिब्राइल अमीन नाजल हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कायनात का जितना भी पानी है वो हमने जनाबे सैयदा के हक मेहर में लिख दिया है, और उस वक्त तक तुम तो नमाजों में ढूंढते हो, नमाज की शर्त है वुजू, जब तक तुम वजू जनाबे फातिमा की उस मलकियत से ना करो अल्लाह तुम्हारी नमाज ही कबूल नहीं करता। सारी कायनात का पानी जनाबे फातिमा के हक मेहर में लिख दिया। उसके बाद आपको पता है बेटी से पूछते हैं रसूल खुदा, अभी देखा जनाबे जारा चुप है सलामुल्लाह अलैहा, मैं तो कनीज का नौकर, उनकी कनीजों का भी कनीज का नौकर अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा। अब उस वक्त फिर रसूल खुदा ने पूछा, बेटी अभी राजी नहीं हुई? जनाबे सैयदा खामोश हो गए। उसके बाद फिर जबरील अमीन दूसरी मर्तबा आ गए, फरमाया अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ये सारी की सारी जो जमीन है जो मैंने फातिमा तुज़ारा के हक़ मेहर में लिख दी है। अब मुझे बताओ इंसान खाता कहाँ से बाबा जी? जमीन से। पहनता कहाँ से? जमीन से। और फिर फौता भी उसी फातिमा के शौहर को है। अब दूसरी तीसरी मर्तबा जब जबरील अमीन फिर नाजल हो गए, फरमाया भी राजी नहीं हुई, फरमाया जो जनाबे सैयदा को कहो ये जो जन्नत है ये सारी की सारी मैंने जनाबे फातिमा के हक के महल में लिख दी है। अब मैं ये तो सिर्फ मैंने बाबा जी की तईद में ये जुमला पढ़ा है बाबा जी, अब फिर मैं साबित करने लगा हूं कि ये अल्लाह है। कुरान ने कहा, मैंने नहीं कहा, अगर फतवा लगाना है किसी के माई के चुजुरत है किसी के लाल की मिंबर पर कुरान ले आए, अगर अल्लाह ने कुरान में ये आते नाजल ना की हो हैदरी अपनी जुबान ना कटवाए। बाबा जी मेरे नुतफे में फर्क है, पहली आयते करीमा मैंने सुनाई बमा रमायता इज रमायता वला किन्नल्लाह रमा, दूसरी मैंने सुनाई फलम तक तलूह इन्नल्लाह कातलह, ए अली तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि इन्हें अल्लाह ने कत्ल किया है। अब तीसरी आयते करीमा सूरह हशर की सुन ले, जब नमरूद, आपको पता था नमरूद का वाक्य हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक्य कुरान मजीद में बाबा जी मौजूद है, अल्लाह ने कहा नमरूद बड़ा मगरूर हो गया है, खुद को अल्लाह कहने लगा है, मैंने इसे बनाया नहीं अल्लाह कैसे बन गया है, जरा इसकी तबीयत साफ कर दिया हो ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में पहुंचे, उसे कहा कौफ खुदा का तू अल्लाह नहीं अल्लाह का दावा कैसे कर दिया? उसने कहा तू मुझे अल्लाह नहीं मानता? उसने कहा मैं तुझे अल्लाह नहीं मानता। उसने कहा तेरे अल्लाह की कोई दलील तो होगी? फरमाया मेरे अल्लाह की दलील जो इब्राहिम ने दी, मेरा अल्लाह जिंदगी अता करता है, मेरा अल्लाह मौत अता करता है। उसने कहा ये तो बड़ा कोई काम ही नहीं। उसने दो आदमी बुलाए, एक को कत्ल करवा दिया एक को छोड़ दिया। उसने कहा ये देखो ये काम तो मैंने भी कर दिया है, मैंने एक को जिंदगी दे दी है एक को मौत दे दी है, फिर मुझे अल्लाह मान। इतने में जबरील अमीन नाजल हो गए, इस काफर को कहो इन्नल्लाह याति बिशम्सी मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू अल्लाह है मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है मगरब में गुरूब करता है, अगर तू अल्लाह है मगरब से सूरज को निकाल के दिखा मैं तुझे अल्लाह मान जाऊंगा। अब
दलील सुने बाबा जी, इब्राहिम अलैहि सलाम कोई आम नबी नहीं, जन्नत अंबिया है। मेरा अल्लाह वो है जो मगरब से निकालेगा सूरज को। ये जंगे नहरवान का वाकया बाबा जी, अली अलैहि सलाम वापस पलट रहे थे कूफा की तरफ, रास्ते में दरियाए अलकमा आ गया, दरियाए फरात आ गया, उसको अबूर कर असर की नमाज कजा होगी। तमाम लश्कर इकट्ठा हुआ, मौला हमारी असर की नमाज कजा होगी। अली जलाल में आ गए, जलाल में आके कहा कजा पढ़ना चाहते हो या हदा पढ़ना चाहते हो, कुरान का दावा जहन में रख लेना और फिर सोचना अली किसे कहते हैं। फरमाया मेरा रब, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मगरब से निकालेगा। अली खड़े हो गए और अपना वजहुल्लाही चेहरा मगरब की तरफ खड़ के कहा ऐ सूरज पलटा, सूरज पलट कर असर के वक्त आ गया। अब ये दावा कुरान का है, इब्राहिम का अल्लाह वो है जो सूरज को मगरब से निकालेगा, फिर या कुरान को कहो के कुरान में आयत नहीं, या फिर मान जा इब्राहिम के अल्लाह को भी अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपनी गुफ्तगू को बाबा जी इन्हीं लफ्जों के साथ समेटने लगा हूं आपसे दुआ लेने के लिए, और इस आज की मजलस का अजर जनाबे अली अल मुर्तजा से इस सूरत में लेना चाहता हूं कि मेरे भाई को मौला शफाए कामला और अजर अता फरमाए। कुराने मजीद में सूरतुल बकरा की आयत करीमा पढ़ने लगा हूं, और इसी पर मैंने अपने बयान को तमाम कर देना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ले शैयन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह वाला जुमला ज़हन में रहे बाबा जी, अल्लाह वाला जुमला ज़हन में रहे इन्नल्लाह अला कुल्ले शैयन कदीर, कि मेरा रब वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। चौधरी साहब हर चीज पर कुदरत रखता है, मेरा अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। यही सवाल बंदा लेकर मस्जिद नबवी में चला गया बड़ी सरकार के पास, कि जब अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है क्या वो एक और अल्लाह नहीं बना सकता। उसने सवाल कर दिया बाबा जी कि क्या वो अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है वो अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता। अब सवाल क्या था, तबीयत घबरा गई। अगर मैंने कह दिया कि कोई और अल्लाह है ये तो अल्लाह के साथ शिर्क हो जाएगा, मैं कैसे कह दूं कि वो अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है। जलाल में आ गया, कहने लगा चौके मारन बार मसीतू लगा साडे ईमान खराब करन, ओ अल्लाह किवें दूसरा अल्लाह बना सकता है। जब मस्जिद से चला ऐसे आशों के लिए रास्ते में अली मुर्तजा मिल गए, बड़ी जल्दी जुमले को तमाम करने लगा हूं। अली मिल गए, कहने लगे तेरे चेहरे पर बड़ी परेशानी है, क्या सवाल तो लेकर गया था, आगे से जो जवाब मिला मौला आप भी देख रहे हैं, पहचानता नहीं था मौला को, जबान ने साथ दिया मौला मुझे पता नहीं आप कौन है। फरमाया अगर मैं तेरा सवाल भी बता दूं तेरा जवाब भी बता दूं फिर तो मान लेंगे ना कि अल्लाह ने ऐसे भी बनाए हैं कि जिनको अल्लाह ने खुद अल्लाह बना के भेजा है। अब उसने पूछा मौला फिर बताइए क्या सवाल है मेरा। सरकार फरमाने लगे तेरे इस वक्त ज़हन में ये बात है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैयन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। फरमाया वो रखता है हर चीज पर कुदरत, क्या फिर वो अल्लाह एक दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता। अली ने मुस्कुरा के फरमाया तू एक अल्लाह की बात करता है वो कई अल्लाह बना सकता है। तू एक अल्लाह को कह रहा है वो अल्लाह कई अल्लाह बना सकता है, लेकिन उसके अल्लाह बनाने में उसकी अपनी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अहले तशय्यो में अल्लाह कहते ही उसे हैं जो मखलूक ना हो। समझ में आ रहा है जुमला या नहीं आ रहा, आखिरी जुमला है। इसी जुमला पर मैंने आपको
सलाम कर देना है। फरमाया अगर वो किसी और को अल्लाह बना भी दे रहेगा तो वो अल्लाह ही ना, क्योंकि उसने बनाया है इनको अल्लाह, और ये सारे अल्लाह मिलकर वो एक अल्लाह नहीं बना सकते, वो एक अल्लाह मिलकर ऐसे लाखों अल्लाह बना सकता है। अल्लाह लानतुल्लाह है। हेलो माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह अल्लाह आशिक हुसैन हैदरी साहब, तो अब आपके सामने कारी अल कसै बहरुल फजाइल सैयद अल ज़ाकिरीन जनाब सैयद अबुल हसन रिज़वी आप सैयद आला, वो अपने मखसूस अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे, और उनके बाद जनाब अल्लामा सज्जाद अली अकबर आप से वो खिताब फरमाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद आयत तत्हीर तो बाद दुरूद पाक पढ़ी दा है, अगर आंदा है तो पढ़ दे सारे। वा अजल फरजा आले मुहम्मद अज दे जशन पाक दी कबूलियत वास्ते इमाम बारगाह की तामीर और तरक्की वास्ते इमाम बारगाह नूं तमीर करन वालियां दी जिंदगी वास्ते और जड़े तमीर करदे करदे तुर गए ने उन्हां दी निजात तो बख्शिश वास्ते अपने अपने रिज़्क की वसअत वास्ते वालिदैन की जिंदगी वास्ते जिन्हां दे चले गए ने उन्हां दी निजात वास्ते एक दफा तमाम अहबाब जनाबे अली जन मुर्तजा दी बहरगाह च दरूद पाक दा हदिया भेजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। शेर खुदा दी जिंदगी दा जेड़ा सब तो वड्डा अमल है उसका नाम है या रसूलुल्लाह। शेरे खुदा ने जिस हस्ती को जिंदगी पसंद किया है उस हस्ती का नाम है या रसूलुल्लाह। जिस बंदे नु मेरी बात की तसली हो ना कि सच है, वो शहादत दे रहे जबान नाल, हाथ नाल, सिर नाल पता लगे विलादत अली मुर्तज़ा च बंदा बैठा है, जनाजे सत्थर ते नहीं बैठा। शेरे खुदा ने इस हस्ती को जिंदगी आइडियल बनाया है, उस हस्ती का नाम है या रसूलुल्लाह। जेंदी जुत्ती दी वजह तो, जेंदी जुत्ती दी नोक दी वजह तो तखलीक कायनात होवे, उस हस्ती का नाम है या रसूलुल्लाह। और अली मुर्तज़ा ने सामने खड़े होके अपनी जिंदगी कई वेरी आख्या है मैं बिस्मिल्लाह कर कुत्ते को रोटी डाली, उसने 70 अंबिया का कत्ल कर दिया। महफिल से एक आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा मौला मैं किसान हूँ और मैंने अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए कुत्ते पाल रखे हैं, मैं रोजाना उसे रोटी डालता हूँ, क्या मैं 70 अंबिया का कत्ल करता हूँ? अली ने जलाल में अरशाद फरमाया मैं चार टांगों वाले कुत्ते की बात नहीं कर रहा, मैं उस कुत्ते की बात कर रहा हूँ जो दो टांगों वाला है, जो खाता भी अली का है, पहनता भी अली का है, चलता भी
ये मैंने तो अपनी तरफ से फिल्म दिया जुमला आपको नहीं आपकी समातों की नजर किया बाबा जी बावेरी अगे माशाल्लाह सैयद बादशाह असि तो नौकर हैं शादी पढ़ते पे क्योंकि उन्हें शादी सुनाई सेरा सुनाया मैं जनाब जनाबे फातिमा ज़हरा का हक के मेहर सुना और फिर समझ जाएगा अली किसे कहते हैं अभी मैंने अपने माजू फेरा ना मैंने अल्लाह अभी आना है इसी अब जाप 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 ये आजकल के माशाल्लाह आपको पता है सबसे बड़े जो आलमे दीन ताहिरुल कादरी हमारे सुन्नी भाई हैं या सुन्नी भाइयों का मजमा आज से ज्यादा सुन्नी तशरीफ फरमा है और जो मोहब्बत से समाज फरमा रहे हैं वो फरमाते मुझे उस दिन पता चला कि अली काबे में क्यों आए जिस दिन फातिमा का निकाह हुआ था इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था लौ लम युखला को अलिया लम यकुन लिफातिमा तकुफू अगर अल्लाह अली को तखलीक ना करता मेरी फातिमा का कोई हमसर ही ना होता जिसका हमसर नबियों में ना मिलता हो नबी मुस्तफा के पसीने की पैदावार है असहाबा का तो मुकाम ही क्या है असहाबा तो रसूल के कदमों के भी नीचे हैं अरे सैयदा का फरमाया मेरी फातिमा का कोई हमसर ना होता इसलिए अल्लाह ने अली को काबा में नाजल फरमाया फरमा के फरमाया मेरा हबीब परेशान ना हो अगर लड़की तेरे घर की होगी लड़का मेरे घर का होगा अब जब हक़े मेहर तय होने लगा सबसे पहले जिब्राइल अमीन नाजल हुए या रसूल अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि कायनात का जितना भी पानी है वो हमने जनाबे सैयदा के हक मेहर में लिख दिया है और उस वक्त तक तुम तो नमाजों में ढूंढते हो नमाज की शर्त है वुजू जब तक तुम वजू जनाबे फातिमा की उस मलकियत से ना करो अल्लाह तुम्हारी नमाज ही कबूल नहीं करता सारी कायनात का पानी जनाबे फातिमा के हक के मेहर में लिख दिया उसके बाद आपको पता है बेटी से पूछते हैं रसूल खुदा अभी देखा जनाबे जारा चुप है सलामुल्लाह अलैहा मैं तो कनीज का नौकर उनकी कनीजों का भी कनीज का नौकर अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा अब उस वक्त फिर रसूल खुदा ने पूछा बेटी अभी राजी नहीं हुई जनाबे सैयदा खामोश हो गए उसके बाद फिर जबरील अमीन दूसरी मर्तबा आ गए फरमाया अल्लाह इरशाद फरमा रहा ये सारी की सारी जो जमीन है जो मैंने फातिमा तुज़हरा के हक के मेहर में लिख दी है अब मुझे बताओ इंसान खाता कहाँ से बाबा जी जमीन से पहनता कहाँ से जमीन से और फिर फौता भी उसी फातिमा के शौहर को है अब दूसरी तीसरी मर्तबा जब जबरील अमीन फिर नाजल हो गए फरमाया भी राजी नहीं हुई फरमाया जो जनाबे सैयदा को कहो ये जो जन्नत है ये सारी की सारी मैंने जनाबे फातिमा के हक के महल में लिख दी है अब मैं ये तो सिर्फ मैंने बावे जी की तईद में ये जुमला पढ़ा है बाबा जी अब फिर मैं साबित करने लगा हूं कि ये अल्लाह है कुरान ने कहा मैंने नहीं कहा अगर फतवा लगाना है किसी के माई के जुरत है किसी के लाल की मिंबर पर कुरान ले आए अगर अल्लाह ने कुरान में ये आते नाजल ना की हो हैदरी अपनी जुबान ना कटवाए बाबा जी मेरे नुतफे में फर्क है पहली आयते करीमा मैंने सुनाई वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा दूसरी मैंने सुनाई फलम तक तलूह इन अल्लाह कतलह ए अली तुमने इन्हें कतल नहीं किया बल्कि इन्हें अल्लाह ने कतल किया है अब तीसरी आयते करीमा सूरह हशर की सुन ले जब नमरूद आपको पता था नमरूद का वाक्य हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद का वाक्य कुरान मजीद में बाबा जी मौजूद है अल्लाह ने कहा नमरूद बड़ा मगरूर हो गया है खुद को अल्लाह कहने लगा है मैंने इसे बनाया नहीं अल्लाह कैसे बन गया है जरा इसकी तबीयत
साफ करके आओ ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में पहुंचे, उसे कहा कौफिर खुदा का तू अल्लाह नहीं, अल्लाह का दावा कैसे कर दिया। उसने कहा तू मुझे अल्लाह नहीं मानता। उसने कहा मैं तुझे अल्लाह नहीं मानता। उसने कहा तेरे अल्लाह की कोई दलील तो होगी। फरमाया मेरे अल्लाह की दलील जो इब्राहिम ने दी, मेरा अल्लाह जिंदगी अता करता है, मेरा अल्लाह मौत अता करता है। उसने कहा ये तो बड़ा कोई काम ही नहीं। उसने दो आदमी बुलाए, एक को कत्ल करवा दिया, एक को छोड़ दिया। उसने कहा ये देखो ये काम तो मैंने भी कर दिया है, मैंने एक को जिंदगी दे दी है, एक को मौत दे दी है, फिर मुझे अल्लाह मान। इतने में जबरील अमीन नाजल हो गए, इस काफर को कहो इन्नल्लाह याति बिशम्सि मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब। अगर तू अल्लाह है, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, मगरब में गुरूब करता है। अगर तू अल्लाह है, मगरब से सूरज को निकाल के दिखा, मैं तुझे अल्लाह मान जाऊंगा। दलील सुने बाबा जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई आम नबी नहीं, जन्नत-ए अंबिया है। मेरा अल्लाह वो है जो मगरब से निकालेगा सूरज को। ये जंगे नहरवान का वाकया बाबा जी। अली अलैहिस्सलाम वापस पलट रहे थे कूफा की तरफ, रास्ते में दरियाए अलकमा आ गया, दरियाए फरात आ गया। उसको अबूर कर असर की नमाज कजा होगी। तमाम लश्कर इकट्ठा हुआ, मौला हमारी असर की नमाज कजा होगी। अली जलाल में आ गए, जलाल में आके कहा कजा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? कुरान का दावा जहन में रख लेना और फिर सोचना अली किसे कहते हैं। फरमाया मेरा रब, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मगरब से निकालेगा। अली खड़े हो गए और अपना वजहुल्लाही चेहरा मगरब की तरफ खड़ के कहा ऐ सूरज पलटा। सूरज पलट कर असर के वक्त आ गया। अब ये दावा कुरान का है, इब्राहिम का अल्लाह वो है जो सूरज को मगरब से निकालेगा। फिर या कुरान को कहो के कुरान में आयत नहीं, या फिर मान जा इब्राहिम के अल्लाह को भी अली कहते हैं। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। अपनी गुफ्तगू को बाबा जी इन्हीं लफ्जों के साथ समेटने लगा हूं, आपसे दुआ लेने के लिए। और इस आज के मजलस का अजर जनाब अली अल मुर्तजा से इस सूरत में लेना चाहता हूं कि मेरे भाई को मौला शफाए कामला और अजर अता फरमाए। कुराने मजीद में सूरतुल बकरा की आयत करीमा पढ़ने लगा हूं और इसी पर मैंने अपने बयान को तमाम कर देना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह वाला जुमला ज़हन में रहे बाबा जी, अल्लाह वाला जुमला ज़हन में रहे इन्नल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर, कि मेरा रब वो है जो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। चौधरी साहब हर चीज पर कुदरत रखता है, मेरा अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। यही सवाल बंदा लेकर मस्जिद नबवी में चला गया बड़ी सरकार के पास कि जब अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, क्या वो एक और अल्लाह नहीं बना सकता? अब उसने सवाल कर दिया बाबा जी कि क्या वो अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है, वो अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता? अब सवाल क्या था, तबीयत घबरा गई। अगर मैंने कह दिया कि कोई और अल्लाह है, ये तो अल्लाह के साथ शिर्क हो जाएगा। मैं कैसे कह दूं कि वो अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? जलाल में आ गया, कहने लगा चौके मारो बार मसीतू लगा साडे ईमान खराब करन। ओ अल्लाह किवें दूसरा अल्लाह बना सकता है?
जब मस्जिद से चला ऐसे आशों के लिए रास्ते में अली मुर्तजा मिल गए। बड़ी जल्दी जुमले को तमाम करने लगा, अली मिल गए, कहने लगे तेरे चेहरे पर बड़ी परेशानी है, क्या सवाल तो लेकर गया था। आगे से जो जवाब मिला मौला आप भी देख रहे हैं, पहचानता नहीं था मौला को, जबान ने साथ दिया, मौला मुझे पता नहीं आप कौन है। फरमाया अगर मैं तेरा सवाल भी बता दूं, तेरा जवाब भी बता दूं, फिर तो मान लेंगे ना कि अल्लाह ने ऐसे भी बनाए हैं कि जिनको अल्लाह ने खुद अल्लाह बना के भेजा है। अब उसने पूछा मौला फिर बताइए क्या सवाल है मेरा। सरकार फरमाने लगे तेरे इस वक्त ज़हन में ये बात है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। फरमाया वो रखता है हर चीज पर कुदरत, क्या फिर वो अल्लाह एक दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता। अली ने मुस्कुरा के फरमाया तू एक अल्लाह की बात करता है, कई अल्लाह बना सकता है। तू एक अल्लाह को कह रहा है, वो अल्लाह कई अल्लाह बना सकता है, लेकिन उसके अल्लाह बनाने में उसकी अपनी रबूबियत में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अहले तशय्यो में अल्लाह कहते ही उसे हैं जो मखलूक ना हो। समझ में आ रहा जुमला या नहीं आ रहा? आखिरी जुमला है, इसी जुमला पर मैंने आपको सलाम कर देना है। फरमाया अगर वो किसी और को अल्लाह बना भी दे, रहेगा तो वो अल्लाह ही ना, क्योंकि उसने बनाया है इनको अल्लाह, और ये सारे अल्लाह मिलकर वो एक अल्लाह नहीं बना सकते, वो एक अल्लाह मिलकर ऐसे लाखों अल्लाह बना सकता है। अल्लाह लानतुल्लाह। हेलो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सैयद अल-ज़ाकिरीन जनाब सैयद अबुल हसन रिज़वी आप सैयद आला, वो अपने मखसूस अंदाज में जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे, और उनके बाद जनाब अल्लामा सज्जाद अली अकबर आप से वो खिताब फरमाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليجحب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आयत तत्हीर तो बाद दुरूद पाक पढ़ी दा है, अगर आंदा है तो पढ़ दे सारे। वा अजल फरजा आले मुहम्मद। अज दे जशन पाक दी कबूलियत वास्ते इमाम बारगाह की तामीर और तरक्की वास्ते, इमाम बारगाह नूं तमीर करन वालियां दी जिंदगी वास्ते, और जिहड़े तमीर करदे करदे टुर गए ने उन्हां दी निजात तो बख्शिश वास्ते, अपने अपने रिज़्क दी वसअत वास्ते, वालिदैन दी जिंदगी वास्ते जिन्हां दे चले गए ने उन्हां दी निजात वास्ते, एक दफ़ा तमाम अहबाब जनाबे अली जन मुर्तजा दी बहरगाह च दरूद पाक दा हदिया भेजो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। शेर खुदा दी जिंदगी दा जेड़ा सब तो वड्डा अमल है उसका नाम है या रसूलुल्लाह। शेरे खुदा ने जिस हस्ती को जिंदगी पसंद किया है
उस हस्ती का नाम है या रसूल अल्लाह। जिस बंदे नूं मेरी बात की तसली होवे ना कि सच है, वो शहादत दे रहे जबान नाल, हाथ नाल, इंजन सिर नाल पता लगे विलादत अली मुर्तजा च बंदा बैठा है, जनाजे सत्थर ते नहीं बैठा। शेरे खुदा ने इस हस्ती नू जिंदगी च आइडियल बनाया है, उस हस्ती का नाम है या रसूल अल्लाह। जेंदी जुत्ती दी वजह तो, जेंदी जुत्ती दी नोक दी वजह तो तखलीके कायनात होवे, उस हस्ती का नाम है या रसूल अल्लाह। और अली मुर्तजा ने सामने खड़े होके अपनी जिंदगी च कई वेरी आ